तमिलनाडु में बिहारियों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। बिहारियों को वहाँ कूचा जा रहा है। बिहारी मजबूर डर के मारे ट्रेन पकड़ के तुरंत पटना की तरफ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुँच रहे हैं। ये वो कुछ खबरें हैं जो सोशल मीडिया पे आपको मिर्च मसाला लगाकर दिखाई जा रही है, लेकिन जो नहीं दिखाई जा रही है वो है हकीकत कि वास्तविकता में जमीनी हकीकत क्या कहती है। बहुत सारे यूट्यूबर भाई जिनकी रोजी रोटी यूट्यूब पर व्यू लेने से चलती है, वो पटना स्टेशन पे दिन रात भरी दोपहरिया में माइक लेकर खड़े हैं। जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पे उतरती है, जान जोखिम में डालकर हवा की तेजी के साथ मजदूरों के मुंह में माइक घुसेड़ कर पूछेंगे कि ये भैया बताओ तनितो के कहाँ कहाँ कुचले हैं, कहाँ कहाँ तुमको मारा गया है बताओ भैया, ताकि वीडियो में एकदम मार्मिक दृश्य निकाला जा सके और लोगों के सामने बैकग्राउंड म्यूजिक रोता धोता पीट प्रताड़ित वाला डालकर लोगों के सामने रखा जा सके, ताकि हमारी वीडियोया चल सके जिससे दूरपल्ली का कमाई हो और घर में रोटी चले। हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, जो कि लगातार बिहारी और तमिल के बीच में झगड़ा लगाकर केवल राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है, उसका जीता जागता सबूत ये वीडियोज़ हैं। कहीं की वीडियो बिहार और तमिलनाडु की बताकर वहाँ पर पोस्ट की जा रही है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तमिलनाडु के अंदर होली पर मजदूर पलायन कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया। अब आप कह रहे होंगे कि विनय दुबे, तो आप हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे हैं, तो आप ये बातें कहेंगे ही, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो स्थानिक बिहार के मजदूरों की है। यही बातें वो भी कह रहे हैं। आपको अगर यकीन ना आए तो आप इन बिहारियों से पूछ लीजिए। अमेंदर दास, बिहार के रहने वाला हूँ। तमिलनाडु में तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में अविनाशी एसपी अप्रेल्स में मैं काम करता हूँ। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में एकदम सेफ हूँ और पुलिस भी मेरे साथ है, सपोर्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो व्यक्ति जो वीडियो वीडियो आया है व्हाट्सएप पे दो तीन दिन से, वो फेक है, गलत है, वो आप उस पर विश्वास नहीं कीजिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट कर रहा है सब, जो लड़का लोग गया है वो सब होली के लिए गया है, कुछ दिन के बाद फिर वापस चला आएगा। जी हाँ, हकीकत यही है। केवल राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने लगातार इस विषय को जलाया है, आग में घी डालने का काम किया है। ये जो तमाम ट्विटर हैंडल आप देख रहे हैं, इसमें एक ही तरह की पोस्ट अलग अलग ट्विटर नामों से की गई है। ये तमाम जो लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर हैं। यही कारण है कि बिहारी को वहाँ पर पीटा गया, उसको वहाँ से भगाया जाए, इस तरह की भ्रामक खबरें आईटी सेल द्वारा शुरू की गई, क्योंकि तेजस्वी यादव का तमिलनाडु दौरा था। उनको पता था कि अगर इस तरह की खबरें चलाई जाएंगी तो बिहारी भावनात्मक होता है, बहुत ही भावना से ओतप्रोत होता है, वो इसे तुरंत हाथों हाथ लेगा और तुरंत बिहार सरकार से सवाल पूछना चालू किया जाएगा। और हुआ भी वैसा, ये अपने मंशा में सफल भी रहे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वास्तविकता में तमिलनाडु की जमीन पर हो क्या रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से बहुत सारे आईएएस आईपीएस पूरे देश में जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे आईपीएसों की जो यूनिट है, जो बिहार से आते हैं, जो स्थानिक बिहारी हैं, उनकी ड्यूटी, उनका पद जो है वो तमिलनाडु में भी मिला होगा। मैं आपको कुछ ऐसे आईपीएस अधिकारियों से मिलाता हूं जिन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार ठाकुर है। मैं मूलतः बिहार का सहरसा जिला का रहने वाला हूं और 2010 बैच का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूं। अभी मैं तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिला का पुलिस अधीक्षक हूं। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्र, ट्विटर, सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर एक झूठ और अफवाह प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें कि यह कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। यह खबर सरासर झूठ और भ्रम फैलाने वाला है। एक वीडियो में दो हिंदी भाषी मजदूर आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में कोयम्बतूर में दो स्थानीय लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आपको यह बता दूं कि सारे ट्वीट जो झूठ और भ्रम फैला रहे थे उसको डिलीट कर दिया गया है और ट्वीट पैदा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तमिलनाडु एक सुरक्षित राज्य है,
यहां पर कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। आपसे यह अनुरोध है कि किसी भी खबर पर बिना जांच किए हुए विश्वास ना करें। आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि आप झूठ और भ्रम फैलाने वाले वीडियो को प्रसारित ना करें। किसी भी झूठ भ्रम और अफवाह फैलाने वाले पर तमिलनाडु पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विवेकानंद शुक्ला है। मूलतः मैं बिहार के सारण जिले का निवासी हूं। मैं 2020 बैच का IPS अधिकारी हूं और अभी मैं तमिलनाडु के तिरुवल्लूर टाउन सब डिवीजन में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूं। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि अखबारों के और न्यूज चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया वेबसाइट के माध्यमों से भी इस तरह की खबर फैलाई जा रही है कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीय नागरिकों और श्रमिकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें यहां से भगाया जा रहा है। तमिलनाडु पुलिस स्पष्ट जानकारी देती है कि इस तरह के सारे खबर बेबुनियाद और गलत है। अगर किसी को भी इस प्रकार की किसी भी दुर्घटना के बारे में जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें। इसके लिए दो नंबर भी निकाले गए हैं, 9498101300 एवं 9498101320। इन दो नंबर पर संपर्क करके किसी भी दुर्घटना के बारे में आप बता सकते हैं। जो लोग इस तरह की गलत खबर फैला रहे थे उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कई सारे ट्वीट्स को डिलीट किया जा चुका है। जो अखबार और न्यूज चैनल इन खबरों को फैला रहे थे उन्हें भी संपर्क करके वास्तविकता के बारे में बताया जा चुका है। आप सभी से निवेदन है, तमिलनाडु एक बहुत ही शांतिप्रिय राज्य है, कई राज्यों के नागरिक यहां शांति से रहते हैं, तो कृपा करके इस तरह की किसी भी गलत खबर के चक्कर में पड़कर अपने दैनिक रोजगार को छोड़कर कहीं भी ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे बताइए, ये जो दो IPS अधिकारी हैं ये बिहार से आते हैं, इस समय तमिलनाडु में पोस्टेड हैं। क्या ये चाहेंगे कि इनके राज्य के लोगों को इनके आंखों के सामने पीटा जाए, मारा जाए और ये सहन कर लेंगे? भले ड्यूटी अपनी जगह है लेकिन अपने राज्य के प्रति एक मोहब्बत, अपने नागरिकों के प्रति एक मोहब्बत एक अलग पैमाना रखती है। ये SP के पद पर IPS अधिकारी हैं। ये अगर चाहें तो उस जिले में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये उस पद पर रहते हुए अपनी आंखों के सामने कैसे किसी बिहारी को पीटते हुए देख सकते हैं? इनके साथ ही बहुत सारे ऐसे IPS अधिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे IAS अधिकारी हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर, कलेक्टर के तौर पर तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। वो अपनी आंखों के सामने अपने ही राज्य के लोगों की हत्याएं होते देखना, उनको पीटने देखना कैसे बर्दाश्त करते हैं? अगर इतनी मेहनत के बाद IPS पद पर मिलने के बाद ये दोनों IPS अधिकारी ये बयान दे रहे हैं कि हमारे राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि ये खुद बिहार से आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र कितना गंदा और घिनौना है। किस लिए? केवल बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि बिहार से उनको लात मारकर सत्ता से फेंक दिया गया है। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि कैसे उन्होंने बिहार की सत्ता खोई है और इस सत्ता वापसी के लिए कितना नीचे गिरकर उन्होंने दो राज्यों के बीच में टकराव कराने का गंदा षड्यंत्र रचा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पुलिस जांच की जाए और तमाम ट्विटर हैंडलों को उठा लिया जाए तो ये केवल एक प्रोपोगेंडा ही निकलेगा। दरअसल होली का त्यौहार ही ऐसा होता है कि तमाम बिहार की जनता अपने घर वापस आती है। छठ पूजा और होली बिहार के जमीन से जुड़ा हुआ त्यौहार है, वो अपने परिवार के बीच में मनाना चाहते हैं। यही कारण होता है कि इस समय तमिलनाडु और बिहार छोड़ दीजिए, दिल्ली, मुंबई, गुजरात से जो प्रवासी मजदूर हैं इस छुट्टियों में अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकमान्य तिलक कुर्ला टर्मिनस हमारे मुंबई का एक ऐसा जगह है जहां पर बिहार की लगभग भरपूर ट्रेनें हैं और उस सारी की ट्रेनें फुल चल रही हैं। अगर आप इसकी वास्तविकता जानना चाहते हैं तो ज़्यादा दूर मत जाइए, अपना मोबाइल उठा लीजिए और मुंबई से पटना की टिकट अगर आप खोज लीजिए तो अगले 4 दिनों 5 दिनों तक आपको कोई टिकट नहीं मिलनी है। सारी ट्रेनें फुल चल रही हैं, वेटिंग लिस्ट फुल हो चुकी है, यहाँ तक कि लोग चालू टिकट लेकर कैसे तैसे अपने घर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं भी मुंबई में बैठ के आपको ये दिखाना चालू करूँ कि नहीं यहाँ से प्रवासी मजदूर भगाए जा रहे हैं तो शायद आप इस बातों पर यकीन कर लेंगे, क्योंकि ट्रेन के हालात ही कुछ ऐसे हैं। लेकिन ये ट्रेन के हालात होली के त्यौहार को लेकर है, न कि किसी के मारपीट और किसी के भय के। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जिन्होंने अपनी आंखों देखी लोगों को बताया,
जिन्होंने वीडियो में ये कहा कि मेरे आंखों के सामने ये हुआ, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब आपने अभी तक कोई FIR क्यों नहीं की। पूरे तमिलनाडु, पूरे बिहार में कोई भी ऐसा FIR नहीं हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि तमिल लोगों ने बिहारियों को पीटा या उनकी हत्याएं की है। लगातार पुलिस ये दावा कह रही है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है तो आप पुलिस स्टेशन को, नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है या पुलिस प्रशासन है उसे संपर्क करें। अगर आप बिहार में हैं तो बिहार के लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां पर संपर्क करके अपने साथ हुई घटना का आप जिक्र करके FIR दर्ज करा सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस घटनाक्रम में थोड़ी भी सच्चाई है तो विनय दुबे पूरी टीम के साथ आपके साथ खड़ा है। जब बिहारियों के ऊपर कभी भी अत्याचार हुआ है, विनय दुबे ने थोड़ा भी संकोच नहीं किया है, कंधे से कंधा मिलाकर आपकी अस्मिता, आपके स्वाभिमान के साथ लड़ा है।